नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी फ्यूचर आउटलुक, निफ्टी फ्यूचर के बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, कौन से लेवल पर हम बाई कर सकते हैं, कल निफ्टी का रुझान क्या हो सकता है, लेवल के हिसाब से हम ट्रेड कैसे करें, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था निफ्टी फ्यूचर का, लेकिन 2-3 दिन से मैं अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने अपलोड नहीं किया, सिर्फ मैं स्टॉक कैश का जो वीडियो है वो अपलोड करते आया हूँ, तो टाइम कम होने की वजह से मैं वो कर नहीं पा रहा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसका ऑडियो क्वालिटी शायद उतना खास मतलब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत बारिश है फ्रेंड्स, और डेली यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, तूफान भी हो रहा है, जिस वजह से ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर आप लोग के जो आवाज़ जो है खरखर आवाज़ सुनाई देगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये एडुकेशन पर्पस बनाता हूँ, और जो भी टेक्निकली आउटलुक जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करता हूँ ये मेरी खुद की रिसर्च है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में अपनी खुद की जिम्मेदारी के हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरी बताए गए उस लेवल पर ट्रेड करने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये जो मैं लेवल निकालता हूँ मैं खुद की ट्रेड करने के लिए निकालता हूँ। तो चलिए चलते बात कर लेते हैं निफ्टी आउटलुक। देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी 40, 50, 60 के करीबन निफ्टी प्लस हुआ था, निफ्टी फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा प्लस हुए थे, लेकिन स्टॉक कैश में जो उतना मूवमेंट हम देख नहीं पाए आज। स्टॉक कैश जो है सुबह सुबह ओपन में जो जितना हाई लगाया था उसके बाद थोड़े से गिरने की वजह से निफ्टी में स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, लेकिन जब निफ्टी इंक्रीज हुआ था, प्लस हुआ था, लेकिन स्टॉक कैश में उतना हम वापसी देख नहीं पाए। तो कुछ दिन ऐसा होता है कि स्टॉक कैश में वापसी हम देख नहीं पाते, लेकिन निफ्टी ऑप्शन, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में अच्छा हम मूवमेंट देख पाते हैं। तो डेली एक जैसा नहीं होता है कि आपको निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन उसके बाद स्टॉक कैश में एक जैसा मूवमेंट दिखाई देगा। तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, मूवमेंट जो है अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट दिखाई देता है स्टॉक कैश फ्यूचर और कैश में, स्टॉक कैश फ्यूचर और ऑप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसका हम अब देख लेते हैं कल रुझान क्या हो सकते हैं निफ्टी में। अब निफ्टी देखिए, एक घंटे के चार्ट के हिसाब से मैं आउटलुक यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखिए, चार कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस के ऊपर, चार कैंडल, दो बियरिश कैंडल है और दो बुलिश कैंडल है। एक बुलिश कैंडल जो है बिग बुलिश कैंडल जो निफ्टी फ्यूचर बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया है, उसके बाद लगातार दो कैंडल यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो अपर शेडो है लोअर शेडो है अपर शेडो लोअर शेडो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हाई तो बनाए थे लेकिन प्राइस जो है नीचे क्लोज हुआ और बियरिश कैंडल में क्लोज हुआ। फाइनली जो मार्केट क्लोज हुआ जब, तब ये एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ था और बुलिश कैंडल लेके ही क्लोज हुआ है, लेकिन प्राइस जो है काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है। हाँ, हालांकि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही है, एक पियर्सिंग कैंडल क्रिएट हुआ है, जहाँ पर ये दर्शाता है कि बायर्स और सेलर दुविधा में है, ना कोई बाय कर रहा है ना कोई सेल कर रहे हैं, प्राइस एक ही जगह पे जो है अटके हुए हैं, एक अपर शेडो है एक लोअर शेडो है, जो हाई बनाया था फिर एक जगह पे आके ख़त्म हो गया, और जहाँ पर लो बनाया था लो से फिर एक जगह पे आके ख़त्म हो गया, और यहाँ पर एक स्मॉल बॉडी क्रिएट हुआ है और अपर शेडो लोअर शेडो जिसको कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो हम ये कह सकते हैं कल जब ये पैटर्न क्रिएट होता है तब हम एक मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं, दिखाई देता है, इस पैटर्न का मतलब ये है। तो ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। अगर अगले दिन अगर निफ्टी पॉजिटिव रहते हैं तो ऊपर की तरफ हम एक उछाल देख सकते हैं, क्योंकि ये पियर्सिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर नहीं होता है तो नीचे की तरफ हम उछाल देख सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है रेजिस्टेंस का, जो है 10,750 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, और नीचे की तरफ 20 डेज का भी एक सपोर्ट मिल रहा है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो काफ़ी ऊपर जो है सेकेंड रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए हम अगर ऊपर की तरफ उछाल देंगे तो काफ़ी ऊपर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल हम देख लेंगे। RSI इंडिकेटर के बारे में अगर बात करें तो 75 है, और भी ऊपर जाने की एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसका बाइंग लेवल रहेगा फ्रेंड 10,799 रुपये 81 पैसे, स्टॉप लॉस रहेगा 10,722 रुपये, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,802 रुपये, और सिक्स टारगेट रहेगा 10,917 रुपये। सेलिंग लेवल रहेगा 10,710 रुपये 69 पैसे, स्टॉप लॉस रहेगा 10,778 रुपये 42 पैसे, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,698 रुपये 47 पैसे, और सिक्स टारगेट रहेगा 10,582 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी फ्यूचर के टेक्निकल आउटलुक और उसका बाइंग लेवल सेलिंग लेवल और स्टॉप लॉस और टारगेट।
अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में अपनी खुद की जिम्मेदारी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर आप लोग मेरे ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9862544240, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरी व्हाट्सअप में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।